नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। तो देखो, हम पढ़ रहे थे, पिछली बार हमने पढ़ा था, हम हार्मोनिक ओसिलेटर के बारे में पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? हार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल फॉर अ वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आज हमने हार्मोनिक ओसिलेटर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। जब भी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की तरह वाइब्रेट करता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, वो लिमिटेशंस एक्चुअली एनहार्मोनिसिटी की वजह से होती है। तो हम पढ़ेंगे एनहार्मोनिसिटी इन वाइब्रेशंस। तो दो तरीके की एनहार्मोनिसिटी होती है, मैकेनिकल हार्मोनिसिटी, इलेक्ट्रिकल हार्मोनिसिटी, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर एंड एनहार्मोनिक ओसिलेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर हम पढ़ेंगे मोर्स पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? मोर्स पोटेंशियल। ये सब हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें एनहार्मोनिक ओसिलेटर पढ़ना है, तो उसका मैथमेटिक्स डिस्कस करने से पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें पता होंगी तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो लिमिटेशंस ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल। तो हार्मोनिक ओसिलेटर मॉडल जैसे मैंने बताया हम लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो लिमिटेशंस रह गई थी। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में लिमिटेशंस क्या होती है। ड्यू टू इक्वल स्पेसिंग ऑफ एनर्जी। देखो हमने क्या देखा था, इक्वल स्पेसिंग होती है एनर्जी की, ऑल ट्रांजिशंस ओकर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अब देखो, यही तो पढ़ा था हमने ये हार्मोनिक ओसिलेटर पिछली बार पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। तो हमने क्या देखा था, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ आता है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो एनर्जी स्पेसिंग क्या है, इक्वल है, और जो सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। तो यही ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांजिशन जीरो से वन में जाएगा, वन से टू में जा सकता है, टू से थ्री में जा सकता है, थ्री से फोर, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन ये ट्रांजिशन की बात करें, फोर से किस में आ सकता है, थ्री में आ सकता है, थ्री से वन में नहीं आ सकता, थ्री से टू में ही आ सकता है, वन से जीरो में आ सकता है। ठीक है, तो यदि आप, ये जो हमारे पास एनर्जी गैप है, ये क्या है, एनर्जी गैप इक्वल है, इक्वल एनर्जी गैप है, एच कट ओमेगा, ये मैंने जूल में लिखा हुआ है, ये होता है एनर्जी। क्या होती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की, ये होती है, ठीक है ना, ये एनर्जी होती है हमारे पास, ये हम इसको एच म्यू वी प्लस वन अपॉन टू, वी हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। तो ये एनर्जी देखो, जब भी कोई भी ट्रांजिशन ले लो, यहाँ से यहाँ होगा तो इतना एनर्जी आएगा निकलेगा, यहाँ से यहाँ ले लो तब इतना एनर्जी निकलेगा। तो हमारे पास एक ही सभी का एनर्जी, सभी लाइंस जो निकल रही हैं सभी का एनर्जी क्या है, सेम है, एनर्जी सभी का सेम है, तो एक ही उस पॉइंट पर मिलेंगी हमें सारी, अलग अलग लाइंस तो नहीं मिलेगी। मान लो एक ट्रांजिशन तीन से दो में हुआ, उसकी एनर्जी भी इतनी है, एक ट्रांजिशन एक से जीरो में हुआ, उसकी भी एनर्जी इतनी है, तो एक सिंगल लाइन ही मिलेगी, समझ में आया? ठीक है, तो ड्यू टू इक्वल स्पेसिंग ऑफ एनर्जी ऑल ट्रांजिशन ओकर एट सेम फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है, ओवरटोन्स मिलते हैं। ओवरटोन्स कहने का मतलब है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि, ये तो थ्योरेटिकली होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि वीक लाइन्स भी मिलती है। क्या मिलती हैं? वीक लाइंस भी हमें मिलती है। जैसे मान लो ये हमारे पास ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे मिला है, तो ये लाइन हमें कितने पे मिलती है, लगभग टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी, ये कितने पे मिलेगी, थ्री ओमेगा पे मिलेगी, ये कितने पे मिलेगी, ये फोर ओमेगा पे मिलेगी। तो इस तरीके से ये भी मिलती हैं, ये सिम, अब ये कैसे आई पता नहीं, ये हार्मोनिक ओसिलेटर ने बताया ही नहीं, तो ये क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई, समझ में आ गई बात। सेकेंड है, हार्मोनिक ओसिलेटर डज नॉट प्रिडिक्ट बॉन्ड डाइसोसिएशन, यू कैन नॉट ब्रेक इट नो मैटर हाउ एनर्जी इज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो, बॉन्ड, हार्मोनिक ओसिलेटर ने बॉन्ड प्रिडिक्शन किया ही नहीं कि बॉन्ड टूट भी सकता है दो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में। अब देखो, ये मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हो गया, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है ना, और ये सपोज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गई मेरे पास, आर ही हो गई ये, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ये जितना इधर जा रहा है इतना उधर आ रहा है, ऐसे ये जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर आ रहा है, तो जी पोटेंशियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है ये, हमारे पास कितना है, वी इज इक्वल टू वन अपॉन टू
के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। तो हमारे पास सिंपली ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना, सिंपली ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ में हमें पता, अब डिस्प्लेसमेंट इधर इधर होता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, बोन्ड डाइसोसिएट होगा नहीं होगा कुछ नहीं ये बताता। तो दूसरी हमारे पास लिमिटेशन इसकी ये है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फिट्स वेल एट लो एक्साइटेशन, ठीक है ना, बट फिट्स पुअरली एट हाई एक्साइटेशन। अब यही है, देखो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, लो एक्साइटेशन के लिए ये वैलिड है, लेकिन जैसे ही हाई एक्साइटेशन होता है ना, हाई एक्साइटेशन में मॉलिक्यूल क्या होता है, बॉन्ड जो होता है, दो मोल, मान लो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये सी हो गया, ये मेरे पास ओ हो गया। अब ये क्या, ये बोन न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई, ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। यदि ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा वाइब्रेशन कहने का मतलब है वी का वैल्यू ज़्यादा हो जाना, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ज़्यादा होना, तो जब ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो सिर्फ लो वैल्यू के लिए, लो वी के लिए बताता है, हाई के लिए फिट नहीं करता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा भी देखा गया है कि बॉन्ड क्या हो जाता है, डाइसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है हाई एक्साइटेशन पे, हाई एक्साइटेशन पे क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक और ये लिमिटेशन है, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं मैन हार्मोनिसिटी इन वाइब्रेशंस की। तो देखो ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हो, परफेक्ट पैराबोलिक कर्व देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। अब जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनहार्मोनिक ऑसिलेशन। ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। इधर जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, समझ में आई बात। तो देखो एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जैसे दूर जाएंगे डायटोमिक मोलिक्यूल डाइसोसिएट्स इंटू टू एटम। अब ये ब्लैक वाले कर्व को ना, यहाँ पे डाइसोसिएशन हो कैसे रहा है, देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक वो लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी से ही समझाता हूँ आपको। देखो वी इज इक्वल टू वन अपॉन में टू के एक्स स्क्वायर, तो परफेक्ट पैराबोलिक कर्व आप देख सकते हो ये है। अब मान एक्स क्या है, एक्सटेंशन ही तो है। अब मान लो कहाँ से, अब देखो जैसे मेरे पास ए और ये मेरे पास बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ हो गई हमारे पास, ये कितनी हो गई, आर ई, ये दो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ। मान लो इधर ये इधर की तरफ है, पाँच यूनिट गया, कितना गया, पाँच यूनिट गया। तो जैसे मैं एक्स का वैल्यू पाँच रखूँगा तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो आर ई से पाँच निकाला, ठीक है ना, पाँच यूनिट पे गया। अब मान लो धीरे 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 ये बढ़ता चला जाएगा, आप ये देख सकते हो। लेकिन एक ऐसा मान लो मैं इसको बहुत ज़्यादा खींच देता हूँ, क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा खींच देता हूँ, तो मेरे पास एक्सटेंशन कुछ एक एक्स एक्स की वैल्यू एक ऐसी आएगी जहाँ पे ये क्या होगा, टूट जाएगा। अब मान लो एक्स की एक वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू मान लो कितनी आई, एक्स की वैल्यू मान लो मैंने 15 लिखी, एक्सटेंशन कितना लिया, 15 यूनिट लिया, मतलब बी जब इधर 15 इधर इधर वाइब्रेट करा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट गया। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 15, तो मैं यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू 15 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वो यदि एक्स 15 से कम रखूंगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, एक्स 15 से ज़्यादा रखूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो x का वैल्यू 15 यहाँ पे रखने पे जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, डाइसोसिएशन एनर्जी तो होगी कि भाई उससे ज़्यादा मिलते ही बोली, या मतलब 15 मिलते मॉलिक्यूल क्या होगा, टूट गया, उससे ज़्यादा दे दो तो टूट जाता है। तो उस और उसके बाद तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने घटने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसी वजह से आप देखो जब एक्सटेंशन बढ़ेगा ना, आर बढ़ेगा, तो धीरे 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 देखो बढ़ नहीं रहा है पोटेंशियल एनर्जी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे फिक्स हो गया। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू वही है जहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो गया मेरा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ये होगी मेरे पास डाइसोसिएशन एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रूली टूट जाता है, बॉन्ड मेरा क्या होता है, टूट जाता है। और डाइसोसिएशन एनर्जी को हम डी ई से लिखते हैं, समझ में आया, ई फॉर इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाइसोसिएशन एनर्जी, समझ में आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाइसोसिएशन है। अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करता, कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए।
देखो एन हार्मोनिसिटी इन द वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल रिफर्स टू द डेविएशन फ्रॉम अ परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन। एन हार्मोनिसिटी यही तो है कि परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। अब परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है, देखो एक्चुअली में ना इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन होता है, ठीक है ना, मतलब जितना मान एक जैसे कि स्प्रिंग होता है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास एक कोई यहाँ पे मास रखा हुआ है, अब ये जितना कंप्रेस होगा और उतना ही बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक होगा, यदि ऐसा ना हो तो ये एनहार्मोनिक होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा सिंपल सी भाषा में? तो एक्चुअली में तो यही होता है कि जो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग होती है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स परफेक्टली कॉन्स्टेंट नहीं होता। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू माइनस के KXE तो होता है, ठीक है ना। अब ये X क्या है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन है। अब ये यदि सेम रहे तो फोर्स भी तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन रियलिटी में जितना कंप्रेस हुआ है और जितना एक्सटेंड हुआ है यानी ये जो एक्स है वो सेम नहीं है, तो फोर्स भी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग का सेम नहीं रहेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स परफेक्टली कॉन्स्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में है क्या, लीनियर ही तो है, एक्स के पावर कितना है, 1 है ना, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर है, लेकिन एन हार्मोनिक के लिए लीनियर नहीं होती। समझ में आया? तो दिस फैक्टर मेक्स द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एसिमेट्रिक इन नेचर। अब एन हार्मोनिसिटी आ गई ना, क्योंकि फोर्स ऑफ कंप्रेशन फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग सेम नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स भी लीनियर नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से हमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है। पैराबोलिक से अलग हो गया ना, ये वेरिएशन इसी वजह से आता है, ठीक है। इसका भी इक्वेशन हम देखेंगे, कोई डाउट है आगे? फिर क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड देयरफॉर द रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस इन फाइनाइट, द पोटेंशियल एनर्जी और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी कब, यदि हम डिस्टेंस बढ़ाए इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था। और एक ऐसी डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। व्हेन एटम्स आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, यदि हम तुम एक्सटेंड करते जाओ और एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहाँ पे वे एक दूसरे को क्या आ जाएंगे, टूट जाएंगे। और उनके देखो मान लो टूट गए तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रही ना। अब मान लो यहाँ तक ही मॉलिक्यूल को मैं खींच सका और फिर यदि और ज़्यादा एक्सटेंड ना करूँ तो मॉलिक्यूल अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे लेकिन उससे ज़्यादा करने पर टूट जाएगा। तो एक ऐसी डिस्टेंस आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो व्हेन एटम्स आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर द अट्रैक्टिव फोर्स इज जीरो, अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो टूट गया, बॉन्ड टूट जाएगा, और कोरस्पोंडिंगली पोटेंशियल एनर्जी हैज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि एक एक्सटेंशन होगा ना वहाँ पे, उस एक्सटेंशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम पोटेंशियल एनर्जी में रखेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, उस पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा दे दोगे तो टूट जाएगा, कम देंगे तो टूटेगा नहीं, तो कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एनर्जी पे ऐसा होगा, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया, ये कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एनर्जी की वो बात कर रहा है, अभी धीरे धीरे कॉन्स्टेंट होने लगा ना, ठीक है, ये है, समझ में आया। अब बात कर, अब देखो एनहार्मोनिसिटी को ना एक प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डिफरेंस बनाया, ताकि हार्मोनिक ऑसिलेटर तो आपने पढ़ा ही है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर और अच्छे से समझ में आ जाए डिफरेंस के माध्यम से। तो रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, हम जानते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास एफ क्या होता है, एफ होता है हमारे पास माइनस की एक्स, लेकिन एनहार्मोनिक में रिस्टोरिंग फोर्स डेविएट्स फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी एट लार्जर डिस्प्लेसमेंट, है ना, लार्जर डिस्प्लेसमेंट पर होता है। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा यदि अब ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, जैसे हमने हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर स्मॉलर वाइब्रेशंस, देखो स्मॉलर वाइब्रेशंस और स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही तो है, पैराबोलिक है या नहीं है। फॉर स्मॉलर वाइब्रेशंस या फॉर स्मॉलर एक्सटेंशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है और एनहार्मोनिक क्या है, सेम है। तो वो ही कह रहा है कि लार्जर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्टोरिंग फोर्स डेविएट होता है प्रोपोर्शनलिटी से, और वीक होता है और स्ट्रोंगर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये लीनियर नहीं रहता। पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक होता है, सिमेट्रिक होता है, ये हम देख चुके हैं हार्मोनिक में, पैराबोलिक सिमेट्रिक हमने देखा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एनहार्मोनिक में एसिमेट्रिक देखा है। पैराबोलिक से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना, परफेक्ट पैराबोला नहीं है, ये है ना, और इसमें क्या है, परफेक्ट पैराबोला, ये चीज़ है। ये क्यों होता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नॉन प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, नॉन प्रोपोर्शनलिटी,
बिल्कुल लीनियर नहीं है, कोई डाउट है? द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एनर्जी लेवल्स। अब आप एक बात देखो, ये मेरे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही तो है, ये मेरे पास, अब देखो जैसे मैं क्या लूँ, ये मेरे पास एक एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितनी होगी, आ रही, ये मेरे पास इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गई, आ रही है, ठीक है ना। अब ये सिंपली वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो चाहे हायर, जैसे जैसे वाइब्रेशन भी बढ़ेगा ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ये बॉन्ड लेंथ जो है ना सेम रहेगी। अब देखो जीरो से ना ये बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। अब आप देख सकते हो ग्राउंड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी वही है, ठीक है ना, और थर्ड वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी सेम है, ठीक है ना, ये चीज़ है। लेकिन एन हार्मोनिक में ऐसा नहीं है। द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ वेरीज विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स रिफ्लेक्टिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ द मोलिक्यूल्स एज वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब मोलिक्यूल में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगी। अब जैसे एक रबड़ होती है, आप सोचो रबड़ को खींचो, अब यदि रबड़ अपनी उसी पोजिशन में आ गई तो हार्मोनिक है, लेकिन ऐसा होता है रियलिटी में नहीं, रबड़ की भी शेप चेंज होती है, बढ़ जाती है रबड़ भी, है ना, पहले मान लो इतनी थी, अब फिर बाद में क्या हो जाएगा, इतनी हो गई, डिफॉर्मिटी आ गई। तो एक्चुअली वो कहना है, यहाँ वो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो भी एनर्जी के साथ साथ बढ़ती है। आप देखो जैसे जैसे स्टेट हमारी 1, 2, 3, 4 हायर एनर्जी स्टेट बढ़ रहा है ना, ये हमारे पास एक्सटेंशन है इधर, और यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन है। आप देखो ये रेड लाइन जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, देखो पहले तो इतना था, ठीक है, फिर हमारा फिर बॉन्ड लेंथ देखो इतना हो गया, ठीक है, फिर देखो कि ये इतना होगा। अब ये आप देख सकते हो रेड लाइन से आप हर एनर्जी स्टेट में क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, ये देखो ये हर उसमें बढ़ रही है, हमारे पास आ रहा है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, REXP है ना, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास है। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन होगा एज वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी लेवल्स क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेकिन अब यदि आप ध्यान से देखो, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर बताया था जहाँ पे मैंने मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स डिस्कस किए थे, वहाँ पे मैंने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि वहाँ पे वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं रियलिटी में, उनके उनके बीच का गैप धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। एक रोटेशनली ऐसा होता है जिसमें धीरे 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 गैप बढ़ने लगता है, ये हमने अभी पीछे देखा भी है लेक्चर्स में। तो आप रियलिटी में देख सकते हो एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, यही होता है रियलिटी में। ये हमारे पास ये भी है, देखो लो एक्सटेंशन के लिए, लो कंप्रेशन के लिए, या हम कहें लो वैल्यू ऑफ वाइब्रेशंस में, ये दोनों क्या है, पैराबोलिक है, और एनर्जी गैप ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वाइब्रेशन बढ़ता है तो एनर्जी गैप कम होने लगता है रियलिटी में। तो वही एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है, आगे चलते हैं। इन द हार्ट, देखो इसी चीज़ को ना, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड नहीं है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे वाइब्रेशन और बढ़ने लगा, अब मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, और तेज़ी से बढ़ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है इसमें, बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है ना एक तरीके से, तो ये क्या है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल चीज़ हो रहा है, तो इसी वजह से ना ये क्या होता है, मैकेनिकल एनहार्मोनिसिटी बोल देते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनहार्मोनिसिटी बोलते हैं, ठीक है, ये आगे भी मैं बताऊँगा, तो इस बात का बस हल्का सा मैंने डिस्कस किया है। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता हो जाता है हायर एनर्जी लेवल्स पर, या हम कह सकते हैं हायर वाइब्रेशंस पर, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है मोर्स पोटेंशियल। तो मोर्स पोटेंशियल्स आर बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर वाइब्रेशनल मोशन। हम जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनहार्मोनिसिटी का, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि मोर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये जो हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है, पैराबोलिक से जो डेविएशन हो रहा है ना, ये सबसे अच्छा उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उन्होंने उस इक्वेशन के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो एक प्योर इम्पेरिकल एक्सप्रेशन जो रियल पोटेंशियल एनर्जी कर्व में फिट होता है, कब, कहाँ पे, लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे, क्योंकि स्मॉलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा,
वो मोर्स ने दिया था, जिसको मोर्स फंक्शन या मोर्स पोटेंशियल हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में। अब आप एक बार इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं प्योर हार्मोनिक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला क्या है, मोर्स पोटेंशियल है। अब एक मिनट यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, देखो यहाँ से बिल्कुल नीचे से और यहाँ तक ये जो है डी ई है, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। इसको वेल डेप्थ भी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डेप्थ है ये। लेकिन ये डी ओ देखो, पार्टिकल एक्चुअली में कहाँ होते हैं, यहाँ थोड़ी ना होंगे, ग्राउंड स्टेट तो यही है, तो ग्राउंड स्टेट ये है। तो ग्राउंड स्टेट से कंटिन्यूस लेवल तक, ये कंटिन्यूस लेवल ही तो होता है वी इन्फिनिटी पे, वहाँ तक जो होता है उसको बोलते हैं डी नोड। ये एक्चुअली में होती तो ये है, ये होती है ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है ये, होती है हमारे पास ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये भी डिसोसिएशन एनर्जी है, इसको लेकिन हम वेल डेप्थ भी बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, ठीक है ना। ये ज़्यादा है, नीचे से है, और डी नोड कहाँ है, वी जीरो से मेज़र किया गया। तो आप एक बात ध्यान रख सकते हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यही तो है, ठीक है ना। और ये डन तो कितना डिफरेंस है, आप देख भली बात ही जानते होंगे, ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये कितना है, ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास है। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट का ही तो डिफरेंस है। अब कोई पार्टिकल मेरे पास ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो डी ई में से, डी ई में से मुझे को क्या घटाना है, डी नोड, ठीक है, डी नोड, एक मिनट, ये थोड़ा पेन शायद वर्क नहीं कर रहा, हाँ अब करने लगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डी नोड जब हम घटाएंगे तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा, ठीक है ना। ये तो देखो, ये मैं हार्मोनिक का केस लूँगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी वन अपॉन में टू एच कट आएगा, टू एच कट ओमेगा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये आएगा। कोई डाउट है, लेकिन हार्मोनिक का केस नहीं लिया, एंड हार्मोनिक केस में एनर्जी अलग होगी, तो वो यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आती है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बस मेन कारण था कि इन चीज़ के बीच में पता होना, डी नोड पूरा वेल डेप्थ है, डिसोसिएशन एनर्जी है, लेकिन ये पूरा वेल डेप्थ है, ये एक्चुअली में ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी, जो हम वी इक्वल टू जीरो से ग्राउंड स्टेट से मेजर करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो मोर्स पोटेंशियल हमारे पास है, जो मोर्स पोटेंशियल है वो होता है ये, वी आर इज इक्वल टू डी ई वन माइनस ई माइनस अल्फा आर ई माइनस ये और होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा क्या है, अंडर रूट के अपॉन में टू डी ई, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका क्या बताना है, यूनिट बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। अब देखो के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, डी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट पोटेंशियल आपको ध्यान रखना है। अब इस मोस्ट पोटेंशियल की मदद से ही हम क्या निकालते हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन की मदद से, इसकी मदद से हम एनहार्मोनिक ओसिलेटर की एनर्जी निकालते हैं, जो हम देखेंगे जैसे हमने हार्मोनिक के केस में देखा था। तो डी क्या, डिसोसिएशन एनर्जी है, जो रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, जैसे मैंने बताया ये डेप्थ रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल वेल की, ठीक है ना, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये एक्चुअली में पूछा गया है, क्या ये चार ऑप्शन दे गए ना, और यहाँ पे इसमें वेरिएशन करके, एक्सपोनेंशियल टर्म में वेरिएशन करके पूछ लिया। अल्फा क्या है, विड्थ पैरामीटर है, जो कंट्रोल करता है हाउ रैपिडली द पोटेंशियल एनर्जी राइजेज एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डेविएट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये क्या है, अल्फा विड्थ पैरामीटर, जितना कम होगा पोटेंशियल विड्थ उतनी ज़्यादा होगी, है ना, जैसे ये है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, और दूसरा देखो, अब विड्थ ज़्यादा होगी ना, तो अल्फा यही विड्थ डिटरमाइन करता है। आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, आर ई क्या है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है हमारे पास।
अब ये जो के फोर्स कांस्टेंट है, आप किसका के का फोर्स कांस्टेंट कहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो, अल्फा को फर्दर सोल्व भी कर सकते हो। बस ये यहाँ पे आप इसको याद रखने के टर्म्स में इसको ऐसे याद रखो, फिर आगे तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी और मैकेनिकल एनहार्मोनिसिटी के बारे में। तो देखो ये मैं बहुत ही एक दो लाइन में समझा दूंगा, ये लिखा हुआ बस मैंने आपके लिए है ताकि आप इसको पढ़ सको, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी। अब देखो हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल होगा। वाइब्रेशन जब होंगे तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे मेरे पास एक प्लस चार्ज, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है, और एक पर माइनस चार्ज होगा। अब ये जब वाइब्रेट करेंगे तो ये वाइब्रेशन में वेरी करेगा पोटेंशियल एनर्जी, वो सॉरी डायपोल मोमेंट। तो एक्चुअली में क्या होता है, वाइब्रेशन जब ज़्यादा तेज़ी से होने लगते हैं ना तो डायपोल मोमेंट लीनियरली वेरी नहीं करता। डायपोल मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है, डायपोल मोमेंट हमारे पास पी इज इक्वल टू क्यू एक्स ही तो होता है, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना। लेकिन जब वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं तो ये क्या होता है, लीनियरली वेरी नहीं करता। अब ये चार्ज है, ठीक है ना, तो इसलिए ये एनहार्मोनिक हो गया, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन में हमने क्या देखा था, हम ये तो जानते हैं सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या कहता है, ये होता है, लेकिन ये सिलेक्शन रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एनहार्मोनिक मतलब रियलिटी में एक बैंड मिलता है और उसके अलावा भी और भी स्मॉलर हमें क्या मिलते हैं, बैंड मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस ये बैंड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डेल वी इज इक्वल टू ये जो प्लस माइनस होता है ना हमारे पास, यही तो होता है सिलेक्शन रूल हार्मोनिक के केस में। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा भी ट्रांजिशन होते हैं, इससे ज़्यादा मतलब जो डेल वी है हमारे पास, जो एनहार्मोनिक का सिलेक्शन रूल होता है, मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा। वो जो हमारे पास ये तो प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, वो भी फॉलो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनहार्मोनिसिटी। द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अच्छा अब बात करते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल से, जैसे मैंने बताया मोशन से, किससे, मोशन से। हायर वाइब्रेशंस पर हम देखते हैं 2 ओमेगा 3 ओमेगा पे हमें मिलने चाहिए, लेकिन उससे कम पे हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो और इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, कन्वर्ज करते हैं ड्यू टू हायर वाइब्रेशंस एट लार्ज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनहार्मोनिसिटी, क्योंकि मोशन से संबंधित हो रहा है ना, हायर वाइब्रेशन से। नाम पर जाओ, नाम से पता चलेगा आपको, ठीक है। और आप इसको ये पढ़ सकते हो, मैंने लिखा है, हालांकि मैंने समझा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्कार, ठीक है।